नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। लखनऊ में केस न दर्ज करने पर इंस्पेक्टर हुसैनगंज विक्रम सिंह कोर्ट में तलब किया गया और बताया जा रहा है कि कोर्ट के फरमान के बाद भी सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और CJM ने नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया है। और जानकारी के अनुसार 16 मार्च को छितवारपुर चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने बिना वजह सनी सिंह को पीट कर मोबाइल और पर्स छीन लिया था। सिविल अस्पताल में हुई जांच में पीड़ित के घुटने में फ्रैक्चर निकला था। तो आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है, जहां पर मुकदमा दर्ज ना होने पर अब तलब किया गया है, इंस्पेक्टर हुसैनगंज विक्रम सिंह को तलब किया गया है। आपको बताते चलें कि लखनऊ से खबर है, जहां पर इंस्पेक्टर हुसैनगंज विक्रम सिंह को कोर्ट में तलब किया गया है। तो बता दें आपको कि लखनऊ में केस न दर्ज करने पर इंस्पेक्टर हुसैनगंज विक्रम सिंह कोर्ट में तलब किए गए हैं और बताया ये भी जा रहा है कि कोर्ट के फरमान के बाद भी सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है और CJM ने नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक हाजिर होने का फरमान जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार 16 मार्च को छितवारपुर चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मियों ने बिना वजह सनी सिंह को पीट कर मोबाइल और पर्स छीन लिया था। सिविल अस्पताल में हुई जाँच में पीड़ित के घुटने में फ्रैक्चर निकला है। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी जुड़ चुके हैं। दानिश, जिस तरह से मामला सामने आया है कि मुकदमा दर्ज नहीं होने पर भी तलब किया गया है इंस्पेक्टर को। देखिए, जब न्याय और इंसाफ नहीं मिलता है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है और ये सच है कि अगर उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका ना हो तो मुझे लगता नहीं किसी के साथ न्याय हो पाएगा। संविधान ने भले ही उत्तर यूपी के अंदर या भारत के अंदर पुलिस की सुरक्षा के लिए नियम तैनात किया गया हो, लेकिन ऐसा हकीकत में देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। जैसे कि हुसैनगंज में जो मामला सामने आया छितवारपुर चौकी में, पीड़ित जो सनी है उसका ये आरोप था कि पुलिस वालों ने उसे मारा पीटा और उसकी पर्स छीन लिया और उसके पास उसको थोड़ी बहुत मैं कह सकता हूँ मारपीट भी उसके साथ, डॉक्टरी में उसके फ्रैक्चर निकला, जिसको लेकर के वो न्यायालय में जब पहुंचा तो जाहिर सी बात है थाने में उसकी FIR नहीं दर्ज हुई होगी, शिकायत नहीं हुई होगी, उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होगी। तो न्यायालय ने इस आदेश पे FIR दर्ज करने का आदेश दिया था कि जो इंस्पेक्टर समेत कुछ सिपाही उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन मुकदमा दर्ज करने की जो पैरवी है उन लोगों ने नहीं की, यानी मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई संबंधित थाने में न्यायालय के आदेश पर नहीं की गई, जिस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए इंस्पेक्टर समेत सिपाहियों को तलब कर लिया है। तो अब मुझे लग रहा है कि जब कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो सोचिए कि किस तरीके से आम नागरिक की सुनवाई कैसे करते होंगे और उनकी पीड़ितों की शिकायत पर गंभीरता पुलिस कैसे दिखाती होगी, ये सामने सच आ रहा है। पीड़ित सनी की बात नहीं है, अगर बात किया जाए न्यायालय की, क्या न्यायालय की यह मानना नहीं है या आप न्यायालय का आदेश नहीं मानेंगे जो सबसे प्रथम स्थान पर है न्यायपालिका, जब उसका आदेश नहीं माना जाएगा तो फिर किसका आदेश माना जाएगा? पहली बात तो ऐसी नौबत ही मत आने दीजिए कि कोई न्यायालय जाए। दूसरा, अगर न्यायालय पहुंच रहा है तो कम से कम उसका पालन तो कराइए। जी, अगर सरकारी कर्मचारी ही न्यायालय का पालन नहीं करेंगे तो आम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। वहीं ये भी कहा जा रहा है दानिश के पीड़ित के घुटने में भी फ्रैक्चर निकला है। देखिए, हुसैनगंज के जो इंस्पेक्टर है विक्रम सिंह, इन पर आरोप है कि पीड़ित तनी को उन्होंने मारा पीटा या इनकी पर्स छीन लिया और इनको बाद इनको मारा पीटा तो उनकी हड्डी में फ्रैक्चर निकला, ये मेडिकल रिपोर्ट में तय हो गया होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि उसी वक्त थाने में FIR इंस्पेक्टर समेत पुलिसकर्मियों पर जो आरोपी हैं उन पर हो जानी चाहिए थी, लेकिन उन पर FIR नहीं हुई, तब उसने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। तो न्यायालय के जो CJM है, CJM का एक आदेश था मजिस्ट्रेट का कि तत्काल इस पर जो दोषी पुलिसकर्मी है उन पर FIR दर्ज करके मुकदमा पंजीकृत किया जाए, मुकदमा छोड़िए उस पर कार्रवाई तक नहीं हुई। ये अक्सर देखा जाता है कि जब विभाग का बात होती है तो विभाग को बचाने का प्रयास करता है, लेकिन कोर्ट की आदेश का पालन न करना और उस पर कार्रवाई न करना, तो क्या मुकदमे से पुलिस बच रही है या किसको बचाने का प्रयास कर रही है? लेकिन न्यायालय ने इस बात को संज्ञान लिया है और अब तलब किया है। अब तलब करने पे मुझे लगता है अगर कोर्ट की अवमानना होती है तो कंडम का इनको चार्ज भुगतना पड़ेगा और सनी को न्याय मिलेगा, देर से मिलेगा। लेकिन अब क्योंकि न्यायालय का क्रोध सामने आ रहा है, न्यायालय ने देखा है कि किस तरीके की लापरवाही संबंधित थाने में दिख रही है, यानी पीड़ित की तो पहली बार सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद पुलिस ही उसको पीट रही है, पुलिस ही उसमें आरोपी है, और दूसरा
न्यायालय में उसकी जो न्यायालय में जो उसका आदेश था उसका पालन नहीं हुआ, तो इसको लेकर के कोर्ट कहीं ना कहीं आक्रोशित है। कोर्ट ने सीधे तौर पर उनको तलब कर लिया है। अब मुझे लगता है कि कोर्ट के अवमानना में इनको शायद कोई चार्ज भुगतना पड़ेगा और पीड़ित के साथ सनी जो उसके साथ पीड़ित है उसके साथ मुझे लगता है देर से न्याय होगा, लेकिन न्याय जरूर है। इससे एक बात पता चल रही है कि थानों में उत्तर प्रदेश में जो पुलिस को पूरा पावर दिया गया है उस पावर का दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है, ये सबसे बड़ा सच सामने आ रहा है, जहाँ पर न्यायपालिका के आदेश को भी ठेंगे पर कानून ने रख दिया है। जी बिल्कुल दानिश, जिस तरह से सामने केस आ रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि कानून के जो रखवाले हैं खुद कानून को हाथ में लेते हुए नजर आ रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कानपुर के विधनु थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेवरी गांव के पास पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई और बीते 9 नवंबर की रात को न्यू आज़ाद नगर पुलिस चौकी में चोरी हुई थी और चोरों ने पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज के रिवॉल्वर और वर्दी समेत दस्तावेज से भरा बक्सा पार कर दिया था। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर भोर के वक्त ही पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस दौरान मुठभेड़ में बदमाशों में ही पैर में जो गोली लगी है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश को घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया और पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस चौकी से चोरी हुई सरकारी रिवॉल्वर भी बरामद हुई है। आला अधिकारी समेत फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। तो आपको कानपुर से खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बताते चलें आपको कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और इस दौरान ही वहां पर मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों से लगातार पूछताछ भी की जा रही है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बीती 9 नवंबर की रात को न्यू आज़ाद नगर पुलिस चौकी में चोरी हुई थी और चोरों ने पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज की रिवॉल्वर वर्दी समेत दस्तावेज से भरा बक्सा पार किया था और मुखबिर की सूचना पर भोर के वक्त ही पुलिस और बदमाशों के बीच फिर मुठभेड़ हो गई और इस दौरान ही मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली भी लगी है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश को घायल अवस्था में ही उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस चौकी से चोरी हुई सरकारी रिवॉल्वर भी बरामद कर ली गई है। वहीं आला अधिकारी समेत फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में लग गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी लगातार बने हुए हैं। दानिश, जिस तरह से पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, ये मामला कानपुर का है और कानपुर में आजाद नगर जो है संबंधित चौकी का है जहां पर चोरों ने क्या किया है, अब व्यापारियों को छोड़ करके सीधे चोरों ने पुलिस को चैलेंज कर दिया। अब वो चोर जो है नगदी और माल और जेवरात नहीं चुरा रहे, सीधे सीधे चौकियों में पुलिस और दरोगा की रिवॉल्वर चुरा ले रहे हैं। तो क्या मुझे नहीं लगता कि ये शर्महीन है या मुझे नहीं लगता कि पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पुलिस ने जिस तरीके से चोरों का भय और आतंक है कि सीधे सीधे चौकी में दरोगा पुलिस के दरोगा के रिवॉल्वर चोर चुरा ले जा रहे हैं। तो क्या ये सोचने वाली बात है, जब दरोगा अपने रिवॉल्वर नहीं बचा पा रहा है तो आम जनमानस के घरों की सुरक्षा कैसे करती होगी पुलिस, और आम जनमानस के जो व्यापारियों के जो सुरक्षा है उनको लेकर के कितनी सतर्क होगी पुलिस, ये भी एक सवाल आ रहा है। लेकिन क्योंकि आज मुठभेड़ हुई, 9 नवंबर की घटना थी, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जिस तरीके से मुठभेड़ करके बदमाश को पकड़ लिया है, मैं कह सकता हूं कि भले ही पुलिस का ये गुडवर्क हो लेकिन इस गुडवर्क पे जो पिछला बैडवर्क है 9 नवंबर का उस पर भी संज्ञान लेना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि इस गुडवर्क के पीछे आप बैडवर्क को नहीं छुपा सकते। यानी जिस तरीके से आजाद नगर में चौकी में रिवॉल्वर यानी दरोगा की जो रिवॉल्वर है चोरों ने उस पर हाथ साफ कर दिया, तो मुझे लगता है कि चोरों के पास चौकी नहीं बच रही है चोरों से, तो आम जनमानस का घर और व्यापार क्या बचेगा, ये सोचने वाली बात है। और चोरी की घटनाएं पूरे मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में कुछ हद तक अभी तक लगाम नहीं लग पाई है। अभी चोरी की वारदात में आपको बताना चाहता हूँ कि बाराबंकी के थाना देवा में तीन दुकानों में एक साथ चोरी हो गई, लेकिन उस पर अभी तक कुछ नहीं, डॉग स्क्वाड आई और कुत्ते डॉग स्क्वाड घूमते रहे, घूमने के बाद स्केच पुलिस बनवा रहे हैं। पेट्रोलिंग की कहीं ना कहीं कमियां दिख रही हैं। जिस तरीके से चौकी आजाद नगर कानपुर में दरोगा के रिवॉल्वर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है, इससे एक बात तो साफ हो गई कि चोरों की नजर में पुलिस चौकी थाने कोई मतलब नहीं, चोरों का अपना स्टाइल हो गया है। यानी चोरी करने का उनका स्टाइल जो है वो ये हो गया है, न थाना न पुलिस, जहां मिले वहां हाथ साफ कर। दरोगा जी अपनी पिस्टल नहीं बचा पा रहे हैं तो आम जनमानस के सामानों को क्या बचाए। गुड़वर्क भले पुलिस का हुआ हो, ये काबिले तारीफ मैं कह सकता हूँ कि गुड़वर्क पुलिस का है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, लेकिन बैडवर्क तो भी सोचना पड़ेगा कि आगे ऐसी क्या घटनाएं हो कि चौकी से रिवॉल्वर और जरूरी कागजात या कुछ डॉक्यूमेंट न चोरी होने पाए।
ये सवाल है जी। बिल्कुल दानिश, जिस तरह से अब बताया जा रहा है कि घायल बदमाश अब पुलिस की गिरफ्त में है, तो क्या अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है आरोपी के खिलाफ? देखिए, मुठभेड़ में जैसा कि कानपुर पुलिस ने इसको पकड़ा है, तो ऐसी बात है घायल भी है, और घायल होने के बाद अभी ये पूछताछ करेंगे, न्यायालय में समन जाएगा, उनको न्यायालय में दाखिल करना होगा, लेकिन पूछेंगे उनसे कि किस तरीके से चोरी की गई, क्या और भी चौकी है जहाँ से रिवॉल्वर गायब हुई है, या और कोई ऐसे व्यापारियों के आम नागरिकों के घर हैं जहाँ पर चोरी की गई है। देखिए, जिस तरीके से 9 नवंबर की घटना घटी थी और आज है 22 नवंबर, हालांकि इसमें ज्यादा दिन का समय नहीं है, भले ही 13 दिन बाद उन्होंने पकड़ लिया उसको, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि पुलिस के लिए गुड वर्क है, ये मैं कह सकता हूँ, काफी जल्दी चोर को पकड़ के घायल की मुठभेड़ में पकड़ा गया है, लेकिन आने वाले समय में आला अधिकारियों को ये बात समझनी होगी कि जब चोर चौकियों पर हाथ साफ कर रहे हैं सरकारी रिवॉल्वर का, तो आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसा कौन सा दायित्व का पालन करना है, कौन सी गाइडलाइन वो जारी करेंगे कि आम जनमानस के घरों और दुकानों में चोरी नहीं होगी, अगर चोरियां हो रही हैं तो वहां पर सबसे पहले उस चौकी इंचार्ज और संबंधित थानेदार पर कार्रवाई होनी चाहिए, तभी जाकर के एक अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा और तभी चोरों के दिलों में खौफ बैठेगा, तभी पुलिस स्ट्रिक्ट काम करेगी, क्योंकि पेट्रोलिंग का असर भी दिखना चाहिए। जी दानिश, और जिस तरह से घटना ये सामने आई है, क्या इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है, या पहली बार ही ऐसे पुलिस चौकी में चोरी की वारदात सामने आई है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से ये घटना आई थी, इससे पहले भी कई घटना हुई, लेकिन ये जो घटना थी चौकी के अंदर रिवॉल्वर चोरी कर लेना, तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का खुद मजाक बन गया था, क्या चोरों की नजरों में पुलिस का कोई इकबाल नहीं रहा? यूपी पुलिस से जो अपराधी काटते हैं, माफिया काटते हैं, तो क्या चोर नहीं डर रहे उनसे? क्या चोरों को इस बात का भय नहीं कि चौकी में घुसते साथ ही कुछ हो सकता है, पकड़े जा सकते हैं, तो उसमें दरोगा जी की रिवॉल्वर लेके भागे जा रहे हैं, फरार हो रहे हैं, या चुरा रहे हैं, उनका हाथ साफ कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये शर्मनाक है, गुडवर्क पे तारीफ कानपुर पुलिस की जाए, लेकिन सवाल यहाँ पर भी है कि 9 नवंबर का बैडवर्क पर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने गुडवर्क पे भले ही मुठभेड़ में बदमाश को घायल करके पकड़ लिया हो, आने वाले समय में ऐसी कौन सी गाइडलाइन वो जारी करेंगे, या कितना प्रशिक्षण करेंगे, ऐसी कौन सी चौकसी वो बरतेंगे कि आने वाले समय, क्योंकि अब देखिए दिसंबर चलने वाला आने वाला है, दिसंबर जनवरी के बीच में कोहरा और ठंड का फायदा चोर उठाते हैं, और इसी को फायदा उठा करके सबसे ज्यादा चोरी की वारदातें इसी सीजन में बढ़ती हैं, तो अब प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ये सतर्क होकर देखना पड़ेगा, पेट्रोलिंग बढ़ानी पड़ेगी कि चोर चौकी के साथ साथ आम आदमी के घर और व्यापार पर हाथ ना साफ करने पाए। जी दानिश, हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों पर अब न्यायिक शिकंजा कसने लगा है, और कुछ समय पहले ईडी द्वारा मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया गया था और उसको 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। अब मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने जेल भेज दिया था। आपको बता दें कि शर्जील रजा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही 7 नवंबर को गिरफ्तार किया था, और बताते चले कि ईडी लगातार मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार निगाहें बनाए हुए हैं, और यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि अब्बास अंसारी मऊ सदर से विधायक हैं, पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे, और इसके साथ ही सुभा सपा विधायक अब्बास अंसारी से हाल ही में प्रयागराज के ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई थी, और ईडी ने अब्बास से 9 घंटे तक पूछताछ की थी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, और इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात थी। अब्बास के अलावा ईडी ने उनके ड्राइवर करंडा और गाजीपुर निवासी रवि कुमार शर्मा से भी पूछताछ की थी। ईडी ने अब्बास से मुख्तार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुड़े सवालों में पूछताछ की गई थी और उनका बयान दर्ज किया गया था। आपको बताते चलें कि मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 11 अक्टूबर को लुकआउट नोटिस जारी किया था, और इसके बाद उनसे दोपहर से ही लेकर देर रात तक ही पूछताछ जारी रही, और अब्बास से पूछताछ की वजह से ईडी ऑफिस में भी काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिली। मुख्तार के तमाम समर्थक आसपास घूमते रहे। तो आपको बता दें कि कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत को लेकर बात कही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि ईडी के शिकंजे में अब शर्जील फंसता जा रहा है, और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि अब्बास के अलावा ईडी ने ही उनके ड्राइवर करंडा गाजीपुर निवासी रवि कुमार शर्मा से भी पूछताछ की थी, और ईडी ने अब्बास से मुख्तार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सवालों में ही पूछताछ किए थे, और इसके साथ ही उनका बयान भी दर्ज किया गया था। तो आपको बता रहे हैं ईडी ने शिकंजा जो है ईडी का दिखता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी मुख्तार अंसारी के साले पर अब शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों पर अब न्यायिक शिकंजा कसने लगा है और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी जुड़े हुए हैं। दानिश, माफिया मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों पर अब न्यायिक शिकंजा जो है वो कसने लग गया। ये देखिए, मुख्तार अंसारी की पहले ही मुश्किलें बड़ी थी, वो अभी भी जेल में हैं और उन्होंने पहले भी आरोप लगाए थे कि सरकार भी हत्या करा सकती है। अब मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर भी शिकंजा पुलिस द्वारा कसा गया। जब वो बाहर आए तो मूछों पर उतार देते बाहर आए, फिर उनके ऊपर एक शिकंजा कस दिया गया और अब उनके मुख्तार के साले सरजील रजा पर भी देखिए ईडी ने जो पूछताछ की थी अब्बास अंसारी से, वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको जेल भेजा गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो पूछताछ के खुलासे हुए हैं उसमें उनके साले सरजील रजा पर अब ईडी का शिकंजा कस रहा। देखिये, ईडी जब भी कोई कार्रवाई करती है तो ईडी के पास कुछ ऐसे शायद पर्याप्त सबूत होंगे या उनके पास कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे होंगे जिस पर सरजील रजा भी निशाने पर आए होंगे और ईडी की कार्रवाई मुझे लगता है कि लंबी चलेगी। और ये मुख्तार के परिवार पर संकट भरा समय है और मैं कह सकता हूँ कि संकट क्या, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि अभी कुछ और भी चीजें हैं जो सामने आ सकती हैं। जैसे कि सरजील रजा जो मुख्तार अंसारी के भले ही नातेदार या रिश्तेदार हों, वो साले हों, लेकिन शिकंजा मुख्तार अंसारी पर भी है, शिकंजा अब्बास अंसारी पर भी है और अब उनके साले सरजील रजा पर भी है। तो अब मुझे लगता है अभी ईडी के खुलासे होने बाकी हैं। अभी ईडी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन जो जानकारी सामने आता है वो ये है कि मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी के साथ सरजील रजा जी कहीं ना कहीं ईडी के शिकंजे में फंस गए हैं और मुझे लगता है अभी फंसते चले जाएंगे। और कुछ और लोग भी हैं जिसे खुलासे होने से कि ड्राइवर मुख्तार अंसारी के जो अब्बास अंसारी के ड्राइवर हैं इन पर भी शायद शिकंजा कसेगा और ईडी अभी जो कार्रवाई करेगी ये आगे हद तक करेगी। ईडी कार्रवाई मुझे लगता है लंबी प्रसंग चलेगी और अभी संकट का समय अब्बास अंसारी और उनके साले सरजील रजा के साथ साथ ड्राइवर पर भी मंडरा रहा है। जी, जैसे कि ईडी ने अब अब्बास से 9 घंटे तक पूछताछ की थी तो इसमें क्या पूछताछ रही होगी और फिर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था? देखिए, ईडी की ज्यादातर कार्रवाई जो होती है वो मनी लॉन्ड्रिंग से होती है, तो जाहिर सी बात है अब्बास अंसारी को ठीक जब मूछों पर ताव देने के बाद वो जेल से बाहर निकले थे विवादित बयान के बाद, तब इसके बाद ही ईडी का शिकंजा इन पर हो गया। तो मैं कह सकता हूँ क्या ईडी इस बात के इंतजार में थी कि जैसे ही अब्बास अंसारी बाहर निकलेंगे मूछों पर ताव मारेंगे और तुरंत हम जकड़ लेंगे। ये भी है कि देखिए, मैं कह सकता हूँ कॉम्बिनेशन ये कह सकता हूँ कि एक बुल्ले आउट पर काम चल रहा है कि ईडी जिस तरीके से अब्बास अंसारी को पकड़ रहा और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, इससे पहले को नोटिस जारी था और अब उनके साले को रडार पर रखा गया। मुझे लगता है साले के साथ ड्राइवर रडार पर आएगा और मुझे लगता है अभी और लोग रडार पर आएंगे। हालांकि ईडी के पास कौन से पुख्ता दस्तावेज मिले हैं, किस बात की मनी लॉन्ड्रिंग है, कितना करप्शन है, क्या कौन सा पैसा है, हवाला का है, किस बात का है, ये अभी ईडी तय करेगी। और मुझे लगता है अभी कुछ दिनों में शायद इस बात का खुलासा भी हो जाएगा कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन शामिल है और कितने गुर्गे इसमें संलिप्त पाए जाते हैं और ये पैसा कहाँ कहाँ किन किन लोगों के पास अभी तक रखा हुआ है। जी, दानिश, जिस तरह से मुख्तार के जो तमाम समर्थक थे वो आसपास घूमते रहे थे जब पूछताछ की जा रही थी, तो इसको आगे की रणनीति से देखा जा सकता है क्या? नहीं, देखिए, समर्थक तो क्योंकि पार्टी में मुख्तार अंसारी एमएलए भी रहे थे और अब्बास अंसारी भी एमएलए रहे हैं, तो आप मुझे लगता है कि समर्थक तो उनके अनगिनत हैं। अभी जैसे कि बात की जाए तो मुख्तार अंसारी का नेटवर्क काफी ज्यादा था, क्योंकि अगर बसपा सरकार की बात की जाए तो काफी ज्यादा मुख्तार अंसारी का दबदबा था, समाजवादी पार्टी में था, लेकिन थोड़ा भाजपा सरकार में मुख्तार अंसारी जैसे खुद बताया कि मेरी हत्या कराई सकते हैं, तो कुछ मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो माफिया राज है या गुंडा राज है उसको कुछ हद तक लगाम लगी है। लेकिन जिस तरीके से ईडी ने जो अपनी कार्रवाई की है तो ईडी की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग पर है, ईडी की कार्रवाई जो है वो पैसे को लेकर के है, संपत्ति को लेकर के है। अब ये देखी जाएगी कि ईडी की कार्रवाई में कितनी अवैध संपत्ति निकलती है, कितना अवैध पैसा निकलता है, कौन कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, कहाँ कहाँ पर हुई, कौन कौन लोग शामिल थे, क्या उनके समर्थक भी शामिल है ड्राइवर के साथ या परिवार नातेदार भी हैं, इसको लेकर के अभी जांच चलेगी। और मुझे लगता है कि दूर दूर तक परिवार से जो जो भी लिंक बनते जाएंगे, जहां से भी कड़ियां जुड़ेंगी वहां वहां पर ईडी की छापेमारी शुरू होगी और ईडी के शिकंजे में सभी फंसते चले जाएंगे। जी, दानिश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत देर रात बदमाशों ने युवक को गोली मारी है और सूत्रों की माने तो करीब 6 राउंड गोली चली है। वहीं मौके से बदमाश फरार हो गए हैं और 3 गोलियां पत्रकार शाहिद के शरीर में भी लगी हैं। फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस के आला अधिकारी लोहिया अस्पताल पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। नॉर्थ जोन में ही गोली लगने की सूचना से हड़कंप मच गया है और
वहीं घटनास्थल से बदमाश गोली मारकर फरार हो चुके हैं। तो लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं जहां बदमाशों ने युवक को गोली मारी है और जानकारी ये भी है कि 6 राउंड गोलियां चली हैं जहां से बदमाश गोली चलाने के बाद मौके से फरार भी हो गए हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि खबर जो है लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये देर रात बदमाशों ने जो युवक को गोली मारी है और सूत्रों की वहीं पर जानकारी सामने आई है कि करीब 6 राउंड यहां पर गोली चली है और मौके से बदमाश फरार हो गए हैं। 3 गोलियां पत्रकार शाहिद के शरीर में भी लगी है और फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें लोहैया अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस के आला अधिकारी लोहैया अस्पताल पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। नॉर्थ जोन में ही गोली की सूचना से हड़कंप मचा हुआ दिखाई दे रहा है और घटनास्थल से बदमाश गोली मारकर फरार हो चुके हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दानिश वारसी जुड़े हुए हैं। दानिश, जिस तरह से मामला सामने आया है कि पत्रकार को भी गोलियां लगी है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है कि कुछ लोगों का मानना है कि गोलियां इंद्रनगर के थाना अंतर्गत चल रही थी, इसमें चपेट में पत्रकार आ गए। कुछ का मानना है कि पत्रकार पर गोलियां चलाई गई हैं, हालांकि उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पत्रकार का नाम शायद बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर इस बात पर हड़कंप इस बात पर है कि बदमाशों ने राजधानी में चुनौती दी है। राजधानी जहां पर मुख्यमंत्री, डीजीपी सभी बैठते हैं, ये बदमाशों का जिस तरीके से हौसला है, ऐसा नहीं है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। पुलिस के काम से बदमाशों के हौसले पस्त हैं, लेकिन जिस कैपिटल कहलाती है, लखनऊ राजधानी के अंदर इस तरीके की घटना हुई, ये कहीं ना कहीं इंदिरानगर पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस लापरवाही में कहीं ना कहीं ये भी देखने को वो काम कर रहे हैं और एडीसी की जो नॉर्थ हैं कासिम आबदी, ये काफी एक्टिव माना जाता है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इन्होंने खुलासा भी किया है कि किसी बदमाश को इन्होंने पकड़ भी लिया है। जो बदमाश इन्होंने गोली चलाई है उसका खुलासा भी अभी कुछ देर में हो जाएगा और सूत्रों से जानकारी मिल जाएगी कि उसको पकड़ भी लिया गया है। अब ये कौन लोग हैं, किस लिए गोली चलाई गई, क्या पत्रकारों पर निशाना लगाया गया था या किसी को मारने की बीच में पत्रकार चपेट में आ गए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर पत्रकारों की हालत बेहद ही नाजुक है। जी दानिश, इस पर पुलिस का क्या कुछ कह रहा है वो हम पहले सुनवा देते हैं, उसके बाद आपके पास फिर से लौटेंगे। तो पुलिस का क्या कुछ कहना है पहले वो सुनिए आप। शाहिद अली नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है। अभी पुलिस को सूचना मिलती है कि इनको कुछ अज्ञात लोगों द्वारा इनको गोली से गोली मार करके हमला हुआ है। अभी ये यहाँ पर लोहिया में आकर के एडमिट है जहाँ पर इनका उपचार चल रहा है। अभी जांच पड़ताल की जा रही है किन लोगों द्वारा गोली मारी गई, अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। पुलिस टीम और मौके पर पहुँच गई और जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जी दानिश, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पुलिस के आला अधिकारी भी अब लोहिया अस्पताल पहुंचे हुए, अभी की क्या अपडेट है वहां पर? नहीं, देखिए, डीसीपी नॉर्थ कासिम आबदी मुझे लगता है कि एक्टिव हैं और उनकी कार्यशैली भी लोगों में इस बात को लेकर के गंभीरता दिखाई दिखती है कि वो किसी मामले में लापरवाही नहीं दिखाते हैं और एक्टिव हैं और मौके पर वो खुद पहुंचे थे। और ये भी जानकारी मिल रही है, जो अभी का अपडेट है, कि जो जानकारी मिल रही है कि एडीसीपी नॉर्थ की टीम ने किसी बदमाश को पकड़ भी लिया है, अभी उससे पूछताछ की जा रही है। तो जल्दबाजी मुझे लगता नहीं है कि लखनऊ पुलिस करेगी और एडीसीपी नॉर्थ खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद इनसे इंक्वायरी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शाम तक या हो सकता है मे भी कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है उस पर, और कमिश्नरेट पुलिस ये बताने की कोशिश करेगी क्या सच्चाई थी, आखिर ये बदमाश पत्रकारों को निशाना बनाने आए थे या किसी और को, या पत्रकार इसकी चपेट में। लेकिन गोलियां पत्रकारों को लगी है, एक बात तो उत्तर प्रदेश में साफ हो गई है कि अगर किसी पत्रकार को कोई खतरा है और उस पर कोई शिकायत की जाती है तो स्थानीय पुलिस तो मदद नहीं करती, उस पर गंभीर नहीं है, लेकिन जब घटनाएं हो जाती हैं तब अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, गंभीरता दिखाते हैं और इतना ज्यादा शिद्दत दिखाते हैं कि यही काम अगर पहले कर लिया जाए तो ऐसी घटनाओं पर लगाम भी लगेगा और बदमाशों के जो हौसले हैं वो पस्त होंगे और इस तरह की घटनाओं में चूक देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि एडीसीपी नॉर्थ कासिम आबदी की बात की जाए तो वो मुझे लगता है गंभीर हैं। उन्होंने किसी अब तक जितने मामले आए हैं वो मैंने देखा है कि उनके गुरुवर काफी ज्यादा उनके क्षेत्र में रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि उनके लिए बेडवर्क है और टास्क है इनके लिए, अभी खुलासा करना इनके लिए टास्क है, चुनौती है लखनऊ पुलिस के साथ साथ लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की भी चुनौती है। तो पुलिस की जो दिन दहाड़े जो ये घटना हुई है और ये मैं कह सकता हूँ कि जो लखनऊ में हुई, इसको लेकर के एक सवाल आ गया है कि अगर राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं तो जनपद के बीहड़ इलाके हैं, जनपदों के वहां पर मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था का हाल बुरा है और लचर है कानून व्यवस्था। जी दानिश, जिस तरह से 6 राउंड गोलियां चली हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।
नहीं देखिए बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है प्रशासन पर, क्योंकि गोलियां चली हुई हैं, गोलियां चलने के बाद घायल हुए हैं पत्रकार, और घायलों के साथ साथ उसकी हालत स्थिति नाजुक बनी हुई है। देखिए नक्सलियों ने अपना काम कर दिया, उन्होंने दहशत का माहौल बना दिया, अब पुलिस को अपना काम पहले क्या किया था ये पुलिस सोचे, पुलिस को अब क्या करना है ये भी पुलिस को सोचना है, और गुड़वर के साथ साथ पुलिस को ये भी सोचना है कि भविष्य में ऐसा क्या किया जाए कि कम से कम राजधानी लखनऊ में ऐसी घटनाएं ना हो, और राजधानी के साथ साथ बदमाशों पे लगाम लगाई जाए क्राइम कंट्रोल पर, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। ऐसा नहीं बदमाशों के हाफ इनकाउंटर से लेकर इनकाउंटर तक हो रहे हैं, सीधे सीधे पुलिस जो है फुल पावर है, पूरे फुल पावर है पुलिस के पास, उसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले पस्त ना होना, ये एक सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लखनऊ पुलिस एक्टिव नहीं है, या इंदिरा नगर थाने में जो पुलिस है क्या उसको ये बात नहीं मालूम थी घटना होने वाली है, या घटना हो भी गई तो अब आगे वो ऐसा क्या करेंगे, बदमाशों का कारण क्या था ये अभी तक पता चल पाया है कि आखिर पत्रकार को निशाना बनाया है तो उस निशाने के पीछे क्या मोटिव है, क्या किसी खबर को लेकर खुन्नस निकाली गई है, या उन पत्रकारों को जो टारगेट किया गया है उसको लेकर क्या निशानेबाजी है, या ये भी हो सकता है इसमें एंगल कुछ और हो, ये तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पता चलेगा। लेकिन डीसीपी नॉर्थ ने जो बताया है कि एक बदमाश को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, हालांकि वो बदमाश कौन है क्या है इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, देर शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, या हो सकता है मे भी शायद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लखनऊ पुलिस कमिश्नर बताएगी बदमाशों का मकसद क्या था, पत्रकार की चपेट में या पत्रकार को सीधे गोली मारी गई। जी दानिश बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लखनऊ से खबर है जहां पर घटना सामने आई थी और लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही देर रात को बदमाश ने युवक को गोली मारी थी, और वहीं सूत्रों का यह भी कहना था कि करीब 6 राउंड गोलियां चली थी, मौके से बदमाश फरार हो गए थे, फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।